आज का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल है और आज का दिन काफ़ी खिला खिला है। हाँ, ये बात अलग है कि सूरज तो नहीं दिख रहा है, पर अभी भी धूप है। तो स्वागत है आप सभी का डिरेल वैली के और एक नए एपिसोड में। आज रेलवे वालों ने उनकी हद पार कर दी है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो पिछली बार जॉब किया था उनको वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन लोगों ने मुझे नए दो इंजन दे दिए। और ये रहा अपना पुराना इंजन, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम कुछ दिनों से ये इंजन यूज कर रहे थे, तो आप देख सकते हो फिलहाल तो वो खराब है, इसलिए उसको कोने में रखा है उन लोगों ने। तो ये जब तक मतलब बुरी हालत में, तब तक उन लोगों ने हमें एक नया इंजन दिया है, एक नहीं सॉरी दो दो। आपको वो आगे दिख रहे होंगे, दिखाना आपको। हाँ, तो ये दो इंजन से जो कि रेलवे वालों ने खुश होकर अपने लिए निकाले, तो देख सकते हो इनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है भाई इनका, इनका नाम है DH4। तो 74 टन का ये अकेला एक इंजन है। देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लगता है, बाहर से जितना अच्छा है अंदर से भी उतना ही अच्छा है ये। इसका इंटीरियर भी आपको बहुत पसंद आएगा, ये देख सकते हो आप, ये इसका इंटीरियर है। हाँ पता है थोड़ा सा रंग उतरा सा है, पर क्या ही करें, अब ना होने से तो कुछ होना अच्छा है ना, उधर तो वो खराब होकर पड़ा है। तो तब तक उन्होंने अपने को ये दिया, और आज की जॉब इतनी हार्ड होने वाली है दोस्तों कि उन लोगों ने दो दो इंजन दे दिए। एक इंजन 1200 टन वजन खींच सकता है, ठीक है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अपने पास दो इंजन है और हमें जाना है इधर भाई, यहाँ पर हमें जाना है आज आयरन ओर माइन वेस्ट की ओर, ठीक है। तो 304 टन का ये सामान है और ये माइन है, ठीक है। तो ये पहाड़ के ऊपर जाना है हमें इसको डिलीवर करने के लिए। तो उधर शायद से कुछ खराबी आ गई थी, व्हीकल्स डैमेज हो गए थे उन लोगों के, तो उन्होंने नए व्हीकल्स मंगवाए हैं। आप देख सकते हो कुछ, अब माइन एरिया है मतलब व्हीकल्स का ही काम होगा, सीधी सी बात है। तो इधर 6 या 7 व्हीकल्स हैं और ये उनके पार्ट्स हैं इन 3 डब्बों में, आप देख सकते हो। और आयरन माइन के तरफ जाते वक्त और एक चीज़ लगती है जो कि है कोल पावर प्लांट। वहाँ पर कोल की कमी हो गई थी तो हमें बेसिकली कोल भी सप्लाई करना है। सो ये जितने भी आप लाल डब्बे देख रहे होगे ना, तो ये कोल है, ठीक है। बेसिकली इनमें सभी के सभी में कोल भरा हुआ है। तो अपने को आज इतना ही करना है कि ये कोल और ये दोनों के दोनों उधर डिलीवर करना है। मैंने अपने इंजन से ना इनको सेटअप तो कर दिया है, बट इनको सिर्फ शुरू करना है, अपने को सिर्फ स्टार्ट देना है। ओके, तो ये हो चुका है स्टार्ट। बस मैंने और दोनों इंजन को कनेक्ट भी कर दिया है और सीधा हम अगले वाले इंजन में जाएंगे और इसे भी कर देंगे हम स्टार्ट, ठीक है। मैंने इनको बंद कर कर रखा था क्योंकि ज़्यादा फ्यूल वेस्ट ना हो और अपने ज़्यादा पैसे ना कटे। तो इनको हम कर देंगे फॉरवर्ड पर सेट और बजाएंगे 2 बार हॉर्न। ओके, तो बेसिकली अभी तो हमने सिग्नल दे दिया है कि हम निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी। एक मिनट, विंडोज खुली है ना? हाँ खुली है। तो चलो हम इसको कर देंगे आगे की ओर। डन, आज काफी वेट है भाई अपने साथ दिया हुआ इन लोगों ने। थोड़ा सा वक्त लगेगा अपने को स्पीड अप करने के लिए, तो तब तक हम जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे। तो ये रहे अपने दो बिग बॉयज, आप देख सकते हो कितने अच्छे से जा रहे हैं उनके उनके। ये देखो भाई क्या सही से लगते हैं ना ये। देखो तुम, देखो भाई कैसा लगता है इनको देखने में, इनका फील लो, आती फील लो, आवाज़ सुनो। ओहो क्या नज़ारा है यार, ये देखो इतना बड़ा ट्रक है यार, ये कितना भारी सामान उठाते हैं ये ट्रक, और हम ऐसे सैकड़ों ट्रकों को एक साथ ले जा सकते हैं। और ये देखो ये कैटरपिलर है ना, देखो भाई। अरे अपने को टर्न भी मारना होगा, तो जल्दी से हम अपने ट्रेन के अंदर चली जाएंगे वरना हम रास्ता भटक जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। ये मारा हमने जंप, ठीक है। तो चलो ट्रेन के अंदर जाएंगे और दरवाज़ा लगा लेंगे। अब हमें सिर्फ रूट एक बार ये देख लेना है। तो ये रहा कोल का पेपर, कोल पेपर से नहीं है, इनको हमें लगवाना है A2I के अंदर, सीपी में, अपना क्या है सीपी यानी कि कॉपी से देख लेता हूँ मैं, कोल पावर प्लांट, ठीक है। तो सीपी के अंदर हमें इनको लगाना है A2I की ओर, और ये जो है इनको लगाना है B2I की ओर, ठीक है। तो A2I एंड B2I। तो पहले तो हम अपना ट्रैक सिलेक्ट कर लेंगे उधर जाने के लिए।
अभी तो अपने को सीधा सीधा जाना है, इधर से तो मुझे यहाँ तक पता है, पर इसके आगे इधर से हमें जाना होगा इस तरीके से कुछ, इधर से ऐसा होगा इस तरीके से, इधर ये आएगा सीपी और इसके बाद में मशीन फैक्ट्री और उसके बाद आएगा IMW। ओके, तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी रहने वाली है, शायद से 30 या 35 मिनट्स की। ये देखो भाई आज के अपने ट्रेन देखो कितना लंबा है, ये देखो, और हाँ वो एंडिंग वाला डब्बा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई अपनी ट्रेन देखो एक बार तुम, ओहो काफ़ी लंबी ट्रेन है भाई, आप क्या ही बोले। हमने ना पिछली ड्यूटी इतनी अच्छे से नहीं भाई अपनी, कि रेलवे वालों ने हमें इतना बड़ा जॉब समा दिया। आप ये देखो ये 10 डिब्बे तो सिर्फ कोल के, ये जो लाल डिब्बे है ना दोस्तों ये, और ये इधर से ये सब, ये तो आगे जाने वाले। तो चलो स्पीड अप करेंगे हम थोड़ा सा, आगे कैसा ढलान भी है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और आज सन सन भी बादलों के पीछे छुप गया है। ओके, डायनामिक ब्रेक क्या है मुझे तो अभी तक नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रेक और ट्रेन ब्रेक्स पता है। डायनामिक ब्रेक मैंने कभी यूज़ नहीं किए और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उनको। थोड़ा और स्पीड बढ़वाएंगे हम। ओके, तो इधर से अपना रियल वाला सफ़र शुरू होता है दोस्तों। अच्छा तो राइट की ओर जाना है हमें, ठीक है, इधर से राइट और इधर से लेफ्ट। एक बार ये राइट हो जाए और लेफ्ट हो जाए बाद में तो हमें कुछ टेंशन ही नहीं है इधर से। ओहो थोड़ा स्पीड कम करेंगे हम, स्लिप ना हो जाए। ये देखो भाई एंडिंग वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है हमें। और हम अपना ट्रेन कंटिन्यू चला भी नहीं सकते इस कारण की वजह से, हमें बीच बीच में रोक रोक कर जाना पड़ेगा। इतने जल्दी तो नहीं रुकाएंगे हम, क्योंकि अभी अभी तो हम फिलहाल निकले हैं उधर से, बट थोड़े आगे ही जाते हैं, हमें रुकना तो होगा भाई, क्योंकि ये देख सकते हो आप ऑयल टेम्परेचर 105 तक नहीं जाना चाहिए, और इसका स्पीड भी स्लो रहा है तो हम थोड़ा सा बूस्ट देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो इसका एयर कूलर ऑन हो चुका है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अपना स्पीड तो आप देख सकते हो 20। थोड़ा और स्पीड अप कर देखेंगे, हो जाए यार। सेकेंड इंजन भी अपना ऑन है, हाँ ऑन है अपना सेकेंड इंजन भी। ओके ओके ओके, ये क्या हो रहा है भाई, व्हील स्लिप तो नहीं हो रहा है अपना। ये रहा अपना समुद्र, देखो भाई ना कुछ हो ना जाए अपने ट्रेन को। 20 पर ही अपनी अभी स्पीड है फिलहाल, अपना RPM ज्यादा हो चुका था भाई। फ्यूल है ना अपने पास, हाँ फ्यूल भी है, ये देख सकते हो आप बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल तो नज़ारा, और आप देख सकते हो क्लियरली कि ढलान है इधर, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं अभी। ये देखो इसलिए ट्रेन वालों ने हमें दो दो इंजन दिए और इतना वक्त दिया है अपने को जाने के लिए। ओके, तो राइट की ओर हमें जाना है, और प्लीज़ यार इधर से ढलान नहीं चाहिए। एक बार अगर हम इस एरिया के बाहर निकल गए ना दोस्तों, हाँ आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसके बाहर निकल गए ना बाद में तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और अपना इंजन, इसकी तो हालत इधर ही खराब हो चुकी है। बेल ये क्या है, ओहो ये बेल है शायद से, और दोपहर का टाइम हो रहा था जब मैं निकल रहा था ना, तब 3:15 या 3:30 ऐसा ही कुछ तो टाइम हो रहा था।
शायद से हम रात को 12 या 1 बजे पहुंच जाए, मतलब पहुंच सकते हैं, ठीक है, बोल नहीं सकते हम क्योंकि हमें बीच में रुकना भी है, बस पीछे ध्यान देना पड़ेगा हमें ताकि कोई डिब्बा अलग ना हो जाए अपने से। संभल कर संभल कर, इसी तरीके से स्पीड अप हो रहा है, अच्छे से स्पीड अप हो रहा है दोस्तों। ये रिवर देखो आप, मुझे तो डर लग रहा है दोस्तों कि ये जो अपना फ्यूल है ना ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंजन है ना ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। क्या करें भाइयों, अपने पास एक अच्छा पीसी नहीं है, नहीं तो मैं आपको हाई ग्राफिक्स पर दिखा था, पर जो कुछ भी है ग्राफिक्स के लिए कभी गेम नहीं खेलना। अगर आपको गेम खेलना है, अगर आपको एंजॉय करना है तो एपीएस के ऊपर कभी ध्यान मत देना, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना अरे यार मेरा पीसी मेरे को कम एपीएस दे रहा है, मेरा पीसी बीच में गेम बंद पड़ रहा है, मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ग्राफिक्स लो कर कर भी आप खेल सकते हो। अगर गेम प्ले बढ़िया है ना तो आप ग्राफिक्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ही नहीं दोगे। मेरा तो मानना वैसा ही भाई, ग्राफिक्स में कुछ नहीं रखा है, गेम प्ले सब मैटर करता है, ठीक है। तो 50 का स्पीड अप, यहाँ पर हम 50 की स्पीड पकड़ सकते हैं और फिलहाल हम 30 या 35 के बीच में हैं, तो चलो थोड़ा सा बूस्ट करेंगे हम। ये देख सकते हो आप, अभी भी अपना ट्रेन ऊपर की ओर जा रहा है। ओ देखो आगे टनल है, ओके, इंजन ऑयल, ओहो 90 डिग्री तक तो चली गया था भाई वो। अब इधर तो ये पूरा कर्व है ना, शायद से हम अपना इंजन का लास्ट वाला डिब्बा भी हमें इधर से दिखेगा, आप देखना सिर्फ दिखेगा इधर से, वो देखो एक मिनट दिख जा, वो रहा आखिर वाला डिब्बा। शायद से हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है दोस्तों कि हमें रास्ते पर फ्यूल भी भरवाना होगा। मुझे वो तो नहीं मालूम कि हम फ्यूल किस तरीके से भरवा सकते हैं, पर हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंजन है ना, ये जितना ये पावरफुल है उतना ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये कितने जल्दी ये मीटर ख़त्म हो गया यार, इसका तो 1 हाफ ख़त्म भी होने आ गया है। ओके तो इसको करेंगे हम पीछे आगे की ओर ऐसा, हॉर्न देंगे। एक बार ये रास्ता लगने दो, इधर देखो अपना कैसा स्पीड बढ़ेगा। हम एक काम करेंगे, ये जो है ना कोल पावर, इधर अपना रेलवे रुकाएंगे और इधर रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र इधर से इधर तक करेंगे, पर इधर हमें 5 मिनट के लिए तो रुकना ही होगा। हम अपना जब जॉब सबमिट करेंगे ना तो इधर हम थोड़ा सा रुक जाएंगे और अपने इंजन्स को बंद कर कर रखेंगे ताकि वो ठंडे हो जाए। सीधी सीधी बात यार, इतनी दूर से आ रहे हैं, गर्म तो हो गई ही है। चलो थोड़ा सा बूस्ट करेंगे हम और थोड़ा,
ये ब्रिज देखो आप, कितना सही लग रहा है उधर से, ये देखो। और ये बीच में ये रिवर, और ये दूर दूर तक पहाड़। और वो अपना नासा का वो क्या बोलते हैं उसे, कमांड रूम। ऐसा लग रहा है कि ये हैरी पॉटर की दुनिया है भाई। अरे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको कम कर देंगे हम। बस टेकोमीटर का ये जो लाल वाला ये है ना, ये सुई, उसने भी 1200 पर टच नहीं होना चाहिए वो, वरना और दिक्कत की बात हो जाएगी। ओके सो अच्छे खासे हमने इधर स्पीड अप कर लिया है। इसी तरीके से जाना है। अगले एपिसोड में ना दोस्तों, मैं आपको रेलवे म्यूजियम में ले जाऊंगा। मुझे कमेंट कर बताना आपको रेलवे म्यूजियम में जाना है या नहीं, क्योंकि उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है भाई। कोई ऐसा हलवा नहीं है क्या, इधर से मुंह उठाया और उधर चली गए। रेलवे म्यूजियम के अंदर हमें 8 तरीके के नए नए इंजन्स मिलेंगे, उन्हें रिस्टोर करना होगा, और उसको रिस्टोर करने के बाद में हम उनको चला सकते हैं। वो थोड़ा सा दिखने में भी अलग है, मतलब इंजन्स तो ऐसे ही है, और उनकी जो लिवरीज हम बोलते हैं ना, लिवरीज यानी कि उनके ऊपर स्टिकर्स, कलरिंग, हम वो सब कुछ उसके ऊपर कर सकते हैं। तो वो अनलॉक करने के लिए हमें पहले तो एक म्यूज़ियम का टिकट खरीदना पड़ेगा, सॉरी लाइसेंस, और उसके बाद हम वो सब काम भी कर सकते हैं। बेसिकली हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने रेलवेज में एक बार म्यूज़ियम अनलॉक हो जाने के बाद। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अगले पार्ट में वो दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। स्पीड ज़्यादा ही हो गया है भाई मेरे ख्याल से। ओहो 80 की स्पीड लिमिट, थोड़ा सा हम फ्यूल की बचत करेंगे इधर। तो इधर से हम जाएंगे लेफ्ट की ओर यहाँ से, और बस लेफ्ट की तरफ ही हमें जाना है शायद से, इधर से लेफ्ट, और उसके बाद इधर से ऊपर। देखना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा स्पीड अप करेंगे हम। टावर है शायद से। ओ भाई इतने कोने में खड़े हम। बस इसी तरीके से 70 का स्पीड दिया है अब उन लोगों ने, यानी कि आगे टर्न आने वाला है जल्द से जल्द। इधर से तो हमें लेफ्ट की ओर जाना है ना, तो इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। स्पीड कम करेंगे हम थोड़ा सा। इन्होंने बोला है 50 का स्पीड। अब परफेक्ट है। बस अब सीधा सीधा हमें जाना होगा, और उसके बाद में वापस से एक राइट और एक लेफ्ट। ये ऊपर आप देख सकते हो ये एक ब्रिज है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी रेलवे पटरी है शायद से। हाँ दोस्तों ऐसा ही कुछ तो ये सिस्टम है। ये ब्रिज इधर पहले तो नहीं था यार, अपडेट के पहले इधर कोई ब्रिज नहीं था, अपडेट के बाद इन्होंने ऐड किया शायद से।
अरे 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 अरे, स्पीड 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 भी हमें कंट्रोल में करना होगा भाई। अरे क्या बारिश हो रहा है क्या? बारिश में तो हमें और प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ताकि हमें एक तो इतनी ऊंचाई पर हमें जाना है और ऊपर से ये बारिश, यानी कि हमें ढेर सारा प्रॉब्लम होगा भाई। हाँ दोस्तों बारिश हो रहा है तो हम वाइपर्स ऑन कर देंगे अपने। अभी नहीं होना चाहिए था यार बारिश। अरे यार बारिश के कारण है ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा भाई। हम जिस एरिया में जा रहे हैं ना, एक तो वो पहाड़ी एरिया है, आपको तो देखकर ही पता चल रहा होगा। नहीं, डीरेल हो जाएगी। स्पीड स्पीड 40 के ऊपर स्पीड बोला है। ओके कम ही रहने देंगे हम। हाई बीम ऑन कर देंगे हम अपने, वैसे भी अब रात होने वाली है। बारिश ना ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए दोस्तों, अगर ऐसा ज्यादा बारिश आ गए ना तो अपने कोई दिक्कत की बात है। अगर मुझे मालूम रहता ना बारिश आएगी तो मैं रेलवे वालों से रिक्वेस्ट कर कर और एक इंजन ले लेता। ओके अब इधर से हमें जाना है लिफ्ट की ओर। तो फिलहाल तो हम सीपी का मैप देख लेंगे। सीपी सीपी ये रहा सीपी। तो हम आएंगे किधर से? सीपी के ऊपर तो इधर तीन तीन रास्ते हैं भाई। इधर एक ये और एक ये। वर्ल्ड मैप चालू करो भाई। तो ये जो दो रास्ते हैं, ये तो ये भी हो सकते हैं ना, ये और ये। अच्छा तो नॉर्थ इधर है इसके अंदर, तो ये लेंगे हम नॉर्थ इस तरीके से कुछ। तो हम आ रहे हैं इधर से, एक मिनट, साउथ की ओर से। तो बेसिकली इधर से तो हमें जाना है इधर एक ही ओर ना शायद। ओ भाई मेरे, ये तो काफी हार्ड बात हो गई भाई। देखेंगे हम, अभी तो उधर पहुंचने में हमें फिलहाल थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। इधर से हमें जाना है राइट की ओर। लिमिट दिया इन्होंने 50 का, 50 के अंदर ही रहेंगे हम, ज्यादा स्पीड नहीं फिलहाल। मैं ना बारिश को ज्यादा डर रहा हूं भाई। ओके तो सिटी की ओर हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे उधर। तो हमें ए टू आई ट्रैक भी सिलेक्ट कर कर रखना पड़ेगा। इधर से तो मुझे कुछ आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उसके ऊपर जा रहा हूँ ना।
तो ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें खुद को उतर कर उधर जाना पड़ेगा पैदल। तो इधर एकदम शांत सा वातावरण हो चुका है दोस्तों, क्योंकि रात का समय है और जंगल में एकदम शांति है। देख सकते हो आप, दूर दूर तक कोई नहीं है। इधर चोर उचक्के बहुत ज़्यादा रहते हैं इस समय पर, इसलिए ट्रेन से कभी बाहर मत निकलना, ठीक है? इधर काफ़ी ज़्यादा चोर हो गए फिलहाल। हम एक काम कर लेंगे, अपना जो दरवाज़ा है ना इसको भी लगा लेंगे हम, ताकि अपने रेलवे के अंदर चोरी ना हो, बाद में पता चले चोर आ गए और हमें लूट कर चली गए। ओके, तो सीपी पर हम आ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे है। अरे भाई मेरे, अपने इंजन को ताकत लगाना पड़ रहा है भाई। ओके, सो बारिश भी रुक चुकी है। वो रहा सीपी, यानी कि कोल पावर प्लांट। बड़ा एरिया है यार, वो बहुत बड़ा एरिया है। तो ये रहा अपना पावर प्लांट। देखो भाई ध्यान से, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, काफी जगमगा रहा है भाई। ओके, इधर से हमें जाना है लेफ्ट। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इधर ना हमें 5-10 मिनट तो लगी गई ये फिगर आउट करने में कि अपने रेलवे किस तरीके से अंदर ले जाए और क्या करें। तो इधर हमें रुकना पड़ेगा, इधर शायद से इधर टर्न आएगा। तो हमें इन कोल्स को ले जाना था 8-2 I की ओर, तो इधर अपनी ट्रेन को हम रुकवा देंगे। बस इधर ही रुकवा देंगे दोस्तों, और फिलहाल हम जाकर चेक करेंगे कि A2I है किधर। तो मेरे फ्रेंड्स, A2I का मैंने पता लगा लिया है कि किधर है और किधर नहीं। पर हम है ना, ये जो डब्बे हैं अपने साथ, ये इनको नहीं ले जा सकते यार। ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि उधर से निकलने के लिए सिर्फ अपने इंजन को जगह है भाई। ये डब्बे कैसे निकाले हम, मैं वो सोच रहा हूँ फिलहाल। तो हम एक काम करेंगे, कोई बात नहीं, ले जाएंगे हम, कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो कर ही लेंगे, ठीक है? तो चलो, फिलहाल तो मैं ट्रैक सेट कर कर आ चुका हूँ A2I के ओर, और अपने रेलवे को हम देंगे थोड़ा सा स्पीड अप। मैंने ना गलती कर दी शायद से, पर नहीं, एक ही तो रास्ता है यार अंदर आने के लिए। तो हमें ये जो चर्च टाइप एरिया जो है, ये इधर हमें रुकना है उसके राइट साइड की ओर। उधर A2I है अपना, और एक बार A2I की ओर हम पहुंच गए ना, उसके बाद इस जॉब को हम कर देंगे कंप्लीट। इधर तो फिलहाल टर्न ही इतना बड़ा है भाई, ये देखो आप तो देख सकते हो, टर्न देखो कितना बड़ा है इधर। बस परफेक्टली हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और एक इधर स्टीम इंजन खड़ा है मैंने, जो कि अभी अभी देखा, मुझे पता नहीं था। सो सभी के सभी डिब्बे हैं ना अपने? हाँ है, कि वो रहा लास्ट वाला डिब्बा अपना, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार लास्ट वाला। और हमें ऑफिस भी ढूंढना होगा, मुझे तो अभी ऑफिस भी नहीं पता इनका का किधर है, क्योंकि रेलवे वालों ने मुझे फर्स्ट टाइम इधर भेजा। ये रहा दोस्तों A2I, हाँ जी हाँ यही है। एक मिनट,
अपने लाइट्स को क्या हुआ? ओके, तो हमें इसके अंदर अपनी रेलवे को खड़ा करना होगा। तो A2I के अंदर तो हमने अपनी ट्रेन लगा ली है, अब बस हमें डीकपल करना है अपने इन डब्बों को। ओके, तो लाल वाली है ना ये, एक मिनट मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा भाई। सस्ती लाइट यूज़ करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हाँ यही है, हाँ HBFH10। ठीक है, तो इधर से हम करेंगे इनको अनकपल। बस तो इनका अनकपल प्रोसेस भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम अपने ट्रेन की ओर बढ़ेंगे। आजा एक बार इस ट्रैक पर, अपना पूरा रेलवे आ गया ना, उसके बाद हम इसको कर देंगे स्टॉप। ये आखिरी डिब्बा है शायद से। जी हाँ, तो चलो फ्यूल बचत तो की है यार हमने, फ्यूल की तो बचत की है, दिखाई नहीं दे रहा है वो सिर्फ। तो इसको लगाएंगे अब हम ब्रेक, और चलो हम जाएंगे ट्रेन को कर देंगे हम ऑफ। इसके कंट्रोल्स को हम पहले तो इसको न्यूट्रल पर ही कर दूंगा मैं, बस इधर से ऑफ कर देंगे और चलो ट्रेन के बाहर। इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, मैंने आपको बोला था ना इनको रेस्ट भी देना होगा, इतना काम कर लिया भाई। और रात का समय है, लाइट्स लाइट्स इनकी कैबिन लाइट्स चालू ही रहने देंगे। बस ये जो फ्रंट लाइट है ना, इनको कर दूंगा मैं ऑफ। सो मेरे फ्रेंड्स, हमें ऑफिस भी मिल चुका है। सो अब हम जाएंगे और ये जो अपना ऑर्डर था ना, हाँ ये वाला कोल वाला, इसको कर देंगे हम सबमिट, कि सबमिट होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ, अपना ऑर्डर हो चुका है सबमिट। एक मिनट, इसको लेंगे और इधर आराम से रख कर पढ़ेंगे ये। तो 82 मिनट का ये वाला मिशन था, जो कि हमने 43 मिनट के अंदर निपटा दिया है। 27,000 अपना बेस पेमेंट था और हमें टाइम बोनस मिला है $13,700। तो हमें टोटल $41,108 मिले हैं। उसी के साथ साथ वेल डन, नो डैमेज और नो एनवायरनमेंट डैमेज। ओके, तो ड्यूटी तो हमने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये निभाई अपनी। तो इस पेपर्स को हम फेंक देंगे इस वाले, और इसको ले लेंगे आगे की ओर। और ये जो सफ़र है, इसको तो हमें कल ही ये करना होगा। आप देख सकते हो फिलहाल 1 बज रहे हैं। ये रहा अपना पेमेंट, ये देख सकते हो आप, $41,107। इसको जेब में रख लेंगे और बस। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ट्रेन तो उधर लगा दी है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। किधर गई भाई? हाँ ये रही अपनी ट्रेन, ये देखो। तो इसको तो हम कल ही ले जाएंगे भाई, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा हूँ उस हिसाब से। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलो भाई, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।